हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की नगरिया। मैं हूं आपकी प्रियंका। आई होप यू ऑल गुड। माँ देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तत्से 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रा यानी नवदुर्गा की अभी से हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि माँ हम सभी से प्रसन्न होकर हमको ढेर सारा आशीर्वाद दे। शास्त्रों में नवरात्रों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रों के 9 दिन में माँ के 9 रूपों की आराधना करने से जीवन में रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद लिया जाता है और दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको शारदीय नवरात्रा 2022 की सही तिथि, कलश स्थापना मुहूर्त और पूजा विधि और नवरात्रा में किन किन उपायों को करने से घर में रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, इस बारे में बताऊंगी। शारदीय नवरात्रा 2022 का पर्व 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा। इसका शुभ मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 2:23 पर शुरू होकर 27 सितंबर सुबह 3:08 पर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कलश स्थापना विधि की। कलश स्थापना मुहूर्त सुबह 6:11 से शुरू होकर 7:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। नवरात्रा की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के भक्त माँ के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। पहले दिन कलश स्थापना कर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य बोलें और उसमें जल से भरकर कलश रखकर रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधकर उसे मिट्टी के पात्र में रख दें। अब कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते रखें। कलश में दूध या सिक्का डाल लें और इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर कलश के ऊपर रख दें। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं का आह्वान करें और विधि पूर्वक माँ शैलपुत्री की पूजा करें। तो अब बात करते हैं कि नवरात्रा से पहले या नवरात्रा के दौरान घर में किन किन चीजों को लाने से या फिर क्या क्या उपाय करने से घर में रिद्धि सिद्धि और ढेर सारी खुशियां आती है। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान हर कोई माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा, प्रार्थना, व्रत, उपवास या फिर उपाय करते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें यदि आप नवदुर्गा के पहले या नवरात्रि के दौरान घर लाते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आइए जानते हैं ये कौन सी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान घर में लाना अति शुभ होता है। मान्यता है कि घर में केले का पौधा लाकर लगाना और नित्य इसकी पूजा करना लाभकारी होता है। नवरात्रों में कमल का फूल, कमल पर विराजमान माँ की प्रतिमा या फिर मोर पंख का घर में लाना अति शुभ होता है। मान्यता है कि माँ शक्ति के पावन पर्व के दौरान हर श्रृंगार का पौधा घर में लाने से भी
सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार शंख पुष्पी की जड़, नारियल, देवी की प्रतिमा, लाल रंग का त्रिकोण पताका लाने से भी घर में सुख सौभाग्य में कई गुना वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि नवरात्रों का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरह कलश स्थापना की जाती है और किन किन उपायों को करने से घर में रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। अगले ब्लॉग में भी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, तो उस ब्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखते रहिए प्रियंका की नगरिया। नमस्कार।